वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लोरिंग कपल। सो आज हम लोग एक स्टेकेशन के लिए जा रहे हैं और स्टेकेशन का नाम है हॉस्टेलर भंडारदरा। सो ये भंडारदरा में, जैसे आपको पता है भंडारदरा में ये लोकेटेड है, तो हम लोग निकल चुके हैं फॉर स्टेकेशन। राइट नाउ वी आर नियर भिवंडी। सो अभी बारिश चल रही है, बहुत ही अमेजिंग। और जैसे ही मैंने अमेजिंग व्यू के बारे में बोला, मुझे ऐसे रोड मिल गई। मतलब ये तो मेरे साथ हर ट्रिप में होना ज़रूरी है। जस्ट लुक एट द रोड्स मैन, कि मतलब हम लोगों ने थाना क्रॉस किया और उसके बाद में ये वाली रोड स्टार्ट हुई, और ये लगभग मुझे 20 से 25 किलोमीटर तक ये ऐसी ही रोड थी। नॉट एग्जैक्टली ऐसी, बट येस ऑलमोस्ट या सिमिलर इसकी तरह। मुझे आज के ट्रिप में एक कहावत सूझ रही है, जब कभी आपको किधर जल्दी पहुंचना है तो पूरी कायनात आपके पीछे लग जाएगी आपको और डिले करने के लिए। मैन जस्ट लुक एट द ट्रैफिक यार, हमें भूख भी लगी थी बट ट्रैफिक की वजह से कुछ नहीं मिला। हम लोग लगभग 3 आवर्स ट्रैफिक में फंस गए थे, एंड इसके लिए 2 रीज़न्स हैं। एक तो लो एरियाज में पानी भरना, एंड द सेकेंड वॉज द बिग पॉट होल्स ऑन द रोड। गाइस जस्ट लुक एट अराउंड कि कितना पानी था, और वो सारा का सारा रोड पे पानी आ रहा था, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत बड़ी थी। सो फाइनली एक रेस्टोरेंट मिला वेर वी स्टॉप फॉर द क्विक स्नैक्स। एज यूजुअल आई ऑर्डर्ड माई फेवरेट डिश, दैट इज मिसल पाव, बट बकवास। सो अगेन वी ऑर्डर्ड अ पाइनएप्पल शीरा, एंड येस दैट वॉज रियली यम। आप कसारा घाट में हो और आपको फॉग ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ट्रैफिक का सारा टायर्डनेस हम लोग भूल चुके थे, एंड इट वॉज रियली अ नाइस वेलकम इन इगतपुरी। बहुत ही अमेजिंग व्यू में, बहुत ही सुंदर था, मज़ा आ रहा था। सो फाइनली वी हैव रीच आवर डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट आफ्टर 2 आवर्स। सो सोचा पहले आपको थोड़ा प्रॉपर्टी के बारे में बताऊँ एंड देन चेक इन कर लूँ। So this property is actually a big in size and have many options to choose as per your convenience. रात को हम जल्दी सो गए थे ताकि ये मॉर्निंग का व्यू मिस नहीं करना था। चलो दिखाता हूं आपको द सीनिक व्यू। जस्ट लुक एट द व्यू फ्रॉम द डोर, डैम इट्स ट्रूली अमेजिंग एंड इट्स वर्थ वेकिंग अप टू सी दिस मोमेंट। ऐसे लग रहा था कि यहीं पे चेयर डाल के बस सीनिक व्यू एंजॉय करते बैठूं। सीनिक व्यू एंजॉय करने के बाद जोर से भूख लग रही थी, एंड हम लोग सीधा आ गए कैफे में। सोचा था कि ऑप्शंस बहुत होंगे खाने के लिए, बट पोपट हो गया।
नाश्ते में सिर्फ पोहा एंड आलू का पराठा ही था। ब्रेकफास्ट वॉज एवरेज इन टेस्ट, सो हम लोग फटक से खाते हैं एंड आपको ये प्रॉपर्टी की इन्फो दे देते हैं। यहाँ पे टोटल 6 टाइप के रूम्स अवेलेबल है। सबसे पहला डॉर्मेट्री है। डॉर्मेट्री में अभी हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि पब्लिक ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है, सो डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम। सेकेंड इज जो आप मेरे पीछे देख रहे हो कबाना। थर्ड वी हैव टेंट। टेंट में आप 2 से 3 लोग मैक्स, 2 लोग मैक्स टू मैक्स रह सकते हो। फोर्थ वी हैव डिलक्स हट्स, उसमें एक प्रॉपर कपल रूम है, प्लस उसमें भी और भी ऑप्शन है कि डॉर्मेटरी जैसे 4 बेड्स रहेंगे। अगर आप 4 लोग भी है और जिसको डिलक्स हट्स लेना है तो जैसे 4 बंक बेड्स है उसमें भी आप रह सकते हो। देन उसके ऊपर आता है आपका सुपीरियर हट्स, और सुपीरियर हट्स के ऊपर जो है सबसे लास्ट एंड जो प्रीमियम है दैट इज़ सुपीरियर डिलक्स हट्स। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको पूरा का पूरा इन डिटेल्स एग्जैक्टली अंदर से कैसे दिखता है क्या दिखता है वो जानना है तो हॉस्टेलर्स का जो वेबसाइट है आप उसके ऊपर विजिट कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आपको ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप पूरा एक्सप्लोर भी कर सकते हो। स्टार्टिंग जो ऑप्शन है दैट इज़ फ्रॉम 999, जो आपको टेंट वाला ऑप्शन है, डॉर्मेटरी वाला ऑप्शन है, 999 से स्टार्ट होता है एंड दैट एक्सटेंड्स टू 8,000। सो कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ। सो वेरी फर्स्ट, ये पर्टिकुलर लोकेशन मेन रोड से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर अंदर है, तो अगर आपको कुछ भी लेके आना है, फॉर एग्जांपल फूड, चिप्स, वैसे तो बाहर का फूड अलाउड नहीं है बट बेबीज़ के लिए अगर फूड्स लेके आना है या फिर यू नो आपको अगर ड्रिंक्स वगैरह जो भी चाहिए आप पहले से ही बाहर से लेके आओ, यहाँ पे नहीं मिलेगा। सेकेंड, ये रोड से बहुत ही अंदर है, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर अंदर है, तो प्लान अकॉर्डिंगली। थर्ड, हर एक रूम से लेक का व्यू मिलेगा, दैट इज़ द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस। टॉकिंग अबाउट फूड, दैट इज़ फोर्थ, ओनली वेज ऑप्शन एंड वेज में भी लिमिटेड ऑप्शन है, सो डोंट एक्सपेक्ट मच लाइक ये मिलेगा वो मिलेगा, नहीं, लिमिटेड ऑप्शन है। बट फूड वाइज आई से 5 out of 10, क्योंकि फूड इज़ नॉट सो वाओ एज अ पर्सनल ओपिनियन। सो ये था हमारा यूनिक एक्सपीरियंस द हॉस्टेलर भंडारदारा में। ये टाइम हम लोग ने चूज़ किया था एक हॉस्टल में कैसे लोग रहते हैं उसका एक्सपीरियंस हमको लेना था पर्सनली, दैट्स वाई वी चूज दिस प्रॉपर्टी। हमने जो रूम लिया था उसका कॉस्ट था 3,200 per night। यस, एंड दैट टू बी बुक फॉर संडे एंड मंडे, इसके लिए ये रेट मिला, अदरवाइज इट वॉज अराउंड 4,500 समथिंग। आप चेक कर लेना, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ आपको, आप जो भी है यहाँ के रेट जो है वो चेक कर लेना। बट ये प्रॉपर्टी वाइज अगर आप देखोगे वो भी मॉनसून का एक्सपीरियंस लेने के लिए, अब अगर फूड मैटर नहीं करता आपके लिए तो दिस प्रॉपर्टी इज गुड फॉर यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एक्सप्लोरिंग कपल।